नाउ वी विल सी हाउ इनोटिंग एंड लर्निंग अकर्स विद आई सी टी आई सी टी इज यूज टू इंटरप्र लार्ज स्केल हम ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत एक ब्रॉडर फील्ड है हर तरह की कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो शामिल हैं लेकिन चूंकि हमें कंसनट्रेट करना है विद रेफरेंस टू एजुकेशन इंड रेफर ऑफ अर्ली चाइल्ड हुड चिल्ड्रन सो वी विल टॉक अबाउट दैट अब जो इनोवेटिव हमारी टीचिंग uh, है इसमें एक ज़रूरत यह है कि टीचर्स आर टू मच कॉम्फिडेंट एंड कॉम्पिटेंट विद द यूज़ ऑफ आई हमारे टीचर्स को सफिशेंटली ट्रेड होना चाहिए और वो अगर हैं कि वो अच्छे तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं टेक्नोलॉजी और उन और अच्छे से कॉम्फिडेंट है तो फिर हो सकता है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स बुक्स ऑन मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स इज इनवर्स तो इनोवेशन ये है देखिए बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो मैथमेटिक्स साइंस और बहुत से मज़ामीन को टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत बेहतर तौर से पढ़ा लेते हैं तो अब हमें ये चाहिए कि हम वो सारे तरीके भी अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं जैसे मैथमेटिकल गेम जो हमारे छोटे बच्चे प्री स्कूलर्स हैं या हमारे किंडर के बच्चे हैं उनके लिए तो हम एजुकेशनल गेम्स ऑफर कर सकते हैं मैथ के लिए साइंस के लिए कुछ छोटी छोटी सिम्यूलेशन हैं जिनकी मदद से वो सीख सकते हैं एंड देन लर्निंग विद आई सी टी कंसर्न विद नॉलेज बिल्डिंग कम्यूनिटीज रिफाइनिंग स्किल्स और मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे उसमें से नॉलेज बिल्ड करें देखिए हम जब किसी चीज़ को इनोवेशन के तौर पे लेते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव ऑस्पेक्ट्स को कैप्चर करना है हमें देखना है कि हमारे बच्चे उसमें से नॉलेज गेन करें उसको यूज करें और स्किल्स आज़माएं आपने देखा होगा कि जो बच्चे मैथमेटिकल गेम्स खेलते हैं Uh, uh, तो उनकी जो स्किल है जो स्पीड है uh, उनकी मेंटल प्रोसेसेस की वो तेज हो जाती है दूसरे बच्चों की नस्बत तो जो चीज़ें अच्छी हैं वो हमें ऑप्ट करनी चाहिए देन आईसीटी चेंजेस फ्रॉम यूनि डायमेंशनल टू मल्टी डायमेंशनल अब देखिए आमतौर पर जो कुछ हम कर रहे होते हैं तो बच्चे किसी एक पहलू के ऊपर फोकस कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट होता है वेदर इट्स लैंग्वेज और इट्स मैथ और साइंस लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू इनको ये चीज़ें सिखाते हैं तो आप देखिए कि सिर्फ यही नहीं कि बच्चे ऑपरेट कर रहे होते हैं कंप्यूटर को साथ साथ में वो मैथ को भी समझ रहे हैं और कंप्यूटर की भी उनको समझ आ रही है और कंप्यूटर को मैनेज करना भी सीख रहे हैं कौन सा बटन दबाना है किससे क्या नतज निकल सकते हैं तो वो यूनि डायमेंशनल की बजाय मल्टी डायमेंशनल एक प्रोसेस जो है वो हो रहा है अब जैसे हमने अर्ज़ किया कि थ्रू आउट दिस प्रोसेस

एक टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सब जो चाह रहे हैं जो प्लान कर रहे हैं वो सारा हम हमारे लिए क्लियर होना चाहिए हमारी डायमेंशन एक्शन में होनी चाहिए आई सी टी हैड अ वाइटल रोल टू प्ले इन लर्निंग एक्सपीरियंसिस बोथ एज वन वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट द कंटेंट एज अ व्हीकल फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ इन एन इफेक्टिव वे देखिए एक बात तो तयशुदा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं यानी हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं आ, आप छोटा बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ गेम्स के जरिए या मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है तो साथ साथ कन्वे भी कर रहे हैं आ, कुछ मैसेजेस हैं कुछ ब्लॉग्स हैं छोटे बच्चों ने बनाए हुए या कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं तो ये एक डुअल कम्युनिकेशन है कि आप रिसीव भी कर रहे हैं और आप अपने मैसेजेस को कन्वे भी कर रहे हैं तो दोनों सूरतों में आप बच्चों को बता सकते हैं हर तरह का वे लेकिन अंडर द गाइडेंस पेरेंट्स एंड देयर टीचर्स